फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी ये टिप डबल साइड टेप को लेकर है। जब भी हम दीवार के ऊपर डबल साइड टेप को यूज़ करते हैं और हम इसे उतारते हैं तो उसकी पूरी पपड़ी निकल के बाहर आ जाती है, और पेंट के साथ साथ सीमेंट भी अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है, और दीवार तब देखने बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसके लिए बहुत ही बढ़िया एक छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको दीवार पर डबल साइड टेप को लगाने से पहले दीवार पर इस तरह से ट्रांसपेरेंट टेप को लगा देना है, और अब उसके ऊपर आपको डबल साइड टेप को लगाना है। फ्रेंड्स, इस तरह से डबल साइड टेप दीवार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, और दीवार की पपड़ी भी नहीं उतरेगी, और दीवार ख़राब भी नहीं होगी। और जब आपको डबल साइड टेप को हटाना हो तो देखिए कितनी आसानी से बिल्कुल ईजिली उतर जाएगी। आप इसे अब ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड्स, मेरी ये टिप इस तरह के लिफाफे को लेकर है। जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं या फिर शादी में जाते हैं तो हम एनवलप को देते हैं, और फ्रेंड्स हम इसमें पैसे डालने के बाद हम इसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हर समय हमारे पास फेविकोल चिपकाने के लिए गम नहीं होती, तो इसके लिए मैं आपके लिए छोटा सा जुगाड़ लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा आटा लेना है, और आटे में आपको थोड़ा सा पानी को मिला लेना है। अब आपको इसे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपको एनवलप के ऊपर इसे इस तरह से लगा देना है। फ्रेंड्स, पहले ज़माने में ना फेविकोल होती थी ना कि चिपकाने के लिए कोई गम होती थी। पहले समय में लोग इसी तरह के देसी तरीके को यूज़ करते थे। वो इसी तरीके से अपने किताबें चिपकाने के लिए गेहूं के आटे का यूज़ करते थे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए हमने बिना पैसे किए कितने आसानी से लिफाफे को चिपका लिया है। जब आपके पास फेविकोल ना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं लास्ट यूज़फुल टिप की तरफ। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट टिप बहुत ही यूज़फुल है। इसके लिए हमने कढ़ाई में नमक डाला है, और आपको गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है। आपको कढ़ाई में अप्रोक्स आधा से एक गिलास नमक को डालना है। फ्रेंड्स, इस नमक को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब जब यह नमक गर्म हो जाए तो आपको इसके अंदर इस तरह से क्रैकर्स को डाल देना है। आप देखिए बिना तेल के ही ये फूल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये क्रैकर्स मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन मार्केट्स में क्रैकर फ्राई होते हैं, जो कि बच्चों के लिए तला हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इस तरह से हमने कितनी ईजिली बिना तेल में फ्राई की क्रैकर्स को रेडी कर लिया है, और इसी तरीके से आप चिड़वों को भी रोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चिड़वों को इसमें डाल देना है, और ये आसानी से रोस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इस तरह से चिड़वों को रोस्ट करने के लिए आपको इसे फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और देखिए कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, और ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं। और फ्रेंड्स, जब आपको पानी पूरी बनानी हो तो इसी तरीके से आप नमक में पानी पूरी को डाल दीजिए। फ्रेंड्स, आप देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं। इसके लिए आपको तेल में इसे फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज का तला हुआ खाना किसी को भी पसंद नहीं होता, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप नमक को यूज़ करके चिप्स को, पापड़ को बिना तेल के बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर आजमाइएगा। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी ट्रिक्स में से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।